कि आप रास्ते में सब लोगों को देखते आ रहे हैं, जिस तरह का जश्न, जिस तरह का उत्साह लोगों में है, लोग ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं, उससे ही ये चीज प्रतिबिंब होती है कि ये कितना महत्व का विषय हमारे लोगों के लिए। आप सबको पता है कि लगभग 4-5 दशकों से ये प्रोजेक्ट को ये अटका पड़ा था, और मैं खुलकर कहूंगा कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो थी वो चाहती नहीं थी कि जम्मू का कहीं किसी तरीके से भला हो, और चाहे वो महबूबा मुफ्ती भी हो, चाहे उसमें हम सहयोगी भी रहे, लेकिन उसने भी इस पूरे अड़ंगे अड़ाए पूरे प्रयास किया कि कोई जम्मू का काम बड़ा प्रोजेक्ट है वो ना हो पाए। तो आज मैं धन्यवादी हूँ कि केंद्र सरकार का विशेषकर, और उसके बाद हमारे जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो MoS हैं PMO में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका धन्यवाद हूँ कि उनके निजी प्रयासों से, ठीक है, सहयोग सबने किया, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट हमारी लीडरशिप है, रविंद्र रैना जी, सबने किया, लेकिन विशेषकर उनका कहूंगा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस पर काम किया और अल्टीमेटली इसको अंजाम तक पहुंचाया। और मैं ये कहूंगा कि एक गेम चेंजर है, जिसको कहते हैं कि किस्मत बदलने वाला ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि आज लोगों को नहीं पता चल रहा कि ये हो क्या गया है, लेकिन आने वाली जनरेशन इस चीज को समझेगी कि भाई हमारे लिए कौन कितना बड़ा काम करके गया है। क्योंकि इसमें लगभग, जो मेरी जानकारी है, लगभग 32,000 जो हेक्टर जमीन है वो इरिगेटेड होगी, और उसके साथ साथ 2 कनाल इसमें बनेगी। तीसरी बात यह है कि इसमें 196 मेगावाट जो है वो जो जनरेशन होगी पावर की। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि भाई ये जो हमारी इरिगेशन की और जो वाटर की प्रॉब्लम थी, आपको पता कि वाटर लेवल बहुत लो है कंडी के एरिया में, और उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, तो ये चीजें, और उसके साथ साथ एडिशन जो कहूंगा कि वो ये है कि एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक सोर्स मिलेगा, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो लगभग बहुत सी चीजों को इनडायरेक्टली जनरेशन देता है, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे वो जॉब्स हो। इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, और उसके साथ साथ इसी टाइप का प्रोजेक्ट, और मैं ये बता दूं कि इसके लिए मेहनत क्यों कितनी की गई है कि इसके लिए सेंटर की जो वाटर रिसोर्स की टीम थी उसको बुलाया गया, यहाँ की चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, जिस तरह से आप जानते हैं कि शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था हमारा वो, और ये इस प्रोजेक्ट की जो कास्ट है, जो उज्ज प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोजेक्ट जो है 4,750 करोड़ रुपया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना इसका महत्व है। और उसके साथ साथ पीछे हमारा जो हमारा शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट हुआ था उसमें भी 2185 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, और वो भी लगभग 40 साल से पेंडिंग था। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बहुत से लोग क्लेम करते हैं, खासकर जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लोग कहते हैं कि हम जम्मू के।